Shah Jahan Mosque, जिसे जमिया मस्जिद ठट्टा भी कहा जाता है, को 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। ये कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मकली कब्रिस्तान के करीब वाकया है। मस्जिद के बैरूनी दरवाजे में दाखिल होने के साथ ही आपको एक बड़ा लान नजर आता है, जिसमें नीले रंग के खूबसूरत फवारे, बड़े दरख्त और घास एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। ...1644 में मस्जिद की तामीर शुरू की गई। ये मस्जिद 3 साल में 1647 में मुकम्मल हुई। ठट्टा का शहर 17वीं सदी में सिंध का दारुल खिलाफा था। इसके बाद दारुल खिलाफा हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि शाहजहां जब अपने बाप जहांगीर से छुपकर सिंध में ठहरा तो यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर हुआ और तोहफ़तन ये मस्जिद तामीर करवाई। इस मस्जिद में तुर्किश और पर्शियन फन तामीर का गहरा असर नज़र आता है। इस मस्जिद की दीवारों पर सुर्ख रंग की ईंटों का बहुत खूबसूरत काम किया गया है। इसके अलावा इस पर चमकदार नीली टाइलें बहुत भली लगती हैं। इस मस्जिद के 93 गुंबद हैं। इनको इस तरह तामीर किया गया है कि एक गुंबद में खड़े होकर आवाज़ देने से सब जगह आवाज़ सुनी जा सके। यह भी कहा जाता है कि शुरू में मेहराब का रुख मक्का की तरफ सही नहीं था और इसको 100 साल बाद दोबारा तामीर करके ठीक किया गया। ...1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। मुझो मुस्तफा पाक भदरोल लखन मुझो मुस्तफा पाक भदरोल लखन हशर वे लूदा चुराना इलमे मोहम्मद आदिन आसुएनो उलला मुझो मुस्तफा पाक ......